मैंने धोनी भाई से बोला था यार मुझे बोल दो, मुझे बोलिंग दो, मुझे बोलिंग दो, मुझे आउट करना, इसको सो नहीं बनाना करना है इधर। मोस्ट एक्साइटिंग यू नो टिप्स व्हिच आई हैड मोस्ट ऑफ द बैट्समैन के खिलाफ, तो जब देश के लिए खेलते हैं तो यू जस्ट गिव योर वेरी बेस्ट एंड यू डोंट रियली केयर फॉर एनीबडी एक्सेप्ट योर ओन टीममेट्स। तो कभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता था, होते थे रिकी पोंडिंग जो लेजेंड्स होते थे, हिडन, साइमंस, गिलक्रिस्ट, ब्रेटली, इतने सारे, ये तो दो तीन नाम ही है मगर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, उनके सारे वर्ल्ड चैंपियंस हैं और उनके खिलाफ खेलते वक्त बड़ा मजा आते थे और मुझे मुझे बिल्कुल एक अलग तरीका का यू नो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील सो सो गुड एंड दैट इज वन इंसिडेंट इज विद साइमंस व्हिच एवरीबॉडी नोज एस्पेशली इन माय होम टाउन कोची। 2007 वर्ल्ड कप में यू नो आई वाज बॉलिंग द लास्ट ओवर, आई गॉट हिडन आउट, उसके बाद यू नो सिमंस केम एंड साइमंस, व्हेन साइमंस केम ही गॉट एन एज फोर, तो मैंने लूसर बोला था उनको, मैंने बोला था एज मिडिल ऑफ द एज, एज को मैं मिडिल ऑफ द एज बोलता हूँ, मिडिल ऑफ द एज से आपने बाउंड्री मारा, यू आर अ सच अ लूजर। और उसके बाद सीधा कोची बैंगलोर में आया था, बैंगलोर में मैंने पहले ही बोल के स्नोर बॉल डाल के LBW गोल्डन डक करवाया था अपने शहर पे बैंगलोर में। उसके बाद अगले मैच कोची में था, जब कोची में था और मेरा मम्मा पापा सारे, मेरे 200 से ज़्यादा फ्रेंड्स लोग, कजिन्स लोग सारे आए थे क्योंकि अपने घर पर, मतलब वेयर अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कोची से बात कर रहा हूँ, और कोची में जो है मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है नेशनल स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम, तो उधर मैच हो रहे थे और अपने पूरा अम्मा पापा सारे देख रहे, कजिन देख रहे, फ्रेंड्स देख रहे। तो उधर साइमन जाके 80 में कुछ बैटिंग कर रहा था शायद, मैंने धोनी भाई से बोला था यार मुझे बोल दो, मुझे बोलिंग दो, मुझे बोलिंग दो, मुझे आउट करना है, इसको सो नहीं बनाना देना है इधर, सो नहीं बनाना देना है। और मैं बॉल डाल रहा था और मैंने लेग स्पिन डाल के स्लो बॉल डाल के खड़ा कर दिया था और कैच लिया, और बहुत गुस्सा था क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोला था उस मैच में मेरे फैमिली के बारे में, और वो मैचेस में हो जाता है और जुनून के साथ, उनकी जुनून के साथ आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। और साइमंड्स मुझे कुछ इतना मार भी नहीं पाए, शायद एक चौका ही मार पाए, और मैंने उनको आउट करके ऐसा कर रहा था कि इतना गुस्सा था कि मन तो कर रहा था मार दूँ मगर फील्ड है और अच्छा था मारा नहीं क्योंकि उतना बड़ा आदमी है, शायद अभी मार दूंगा बट उस टाइम पे चांस ही नहीं, वो क्रिकेट फील्ड में हुआ था। और बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत बड़ा दुश्मन है मगर वो मैच के बाद ही हम लोगों ने शेक हैंड वगैरह, वो मैच के अंदर ही है, सर्कल के अंदर। तो यंगस्टर्स डोंट फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, इट जस्ट कम्स विद इन, मेक श्योर मैच के बाद जाके इट प्लीज सॉर्ट इट आउट, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे, इट्स जेंटलमैन्स गेम एंड प्ले इट इन द मोस्ट जेंटलमैन्स वे।